नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आने वाली 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। क्यों ना इस मकर संक्रांति को हम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक बना लें। तो चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, जो अगर इस मकर संक्रांति को आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोचोगे कि फ़ायदा क्या मिलेगा हमको। पहले क्या होता है कि हम लोग ऐसे इंसान हैं जो पहले फ़ायदा देखते हैं। कोई भी चीज़, भगवान की पूजा भी करने जाते हैं तो हम, कोई पंडित अगर अपने से बोलता है कि भाई तुमको ये करना है, इस भगवान की पूजा करना है, तो हम ये पूछते हैं सामने वाले से कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो मैं पहले आपको फ़ायदा बताता हूँ कि किस फ़ायदे के लिए मैं ये प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपको मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान मतलब आपकी रेपुटेशन, तो क्या आप रेपुटेशन नहीं चाहते? अगर आप मान सम्मान चाहते हो, आप चाहते हो कि समाज में आपका रुतबा बढ़े, मान सम्मान चाहते हो, साथ ही चाहते हो कि समाज में आपका रुतबा बढ़े, लोग आपकी बातें माने, लोग आपकी बातें सुने, साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, यानी आपकी नौकरी जो है वो सरकारी हो, या आपकी नौकरी ऐसी हो जो किसी की किस्मत बदल सके, यानी सवार भी सके और बिगाड़ भी सके, मतलब आप इस पोजीशन पे हो, चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, लेकिन आप इस पोजीशन पे हो कि आप किसी के भी भाग्य को या किसी के भी किस्मत को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गॉड बन जाओगे, लेकिन जैसे सपोज़ करिए आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, तो आप चाहो तो किसी को नौकरी से निकाल भी सकते हो और किसी को नौकरी पे रख भी सकते हो, यानी इस प्रकार का आप परिवर्तन कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार से बनना चाहते हो, इस प्रकार की नौकरी पाना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपकी परिवार में आपकी चले, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप वैसे पोजीशन के मामले में बहुत अच्छे हो, आपकी अच्छी नौकरी है, या लोगों पे बहुत आपका रोब चलता है लेकिन घर पे नहीं चलता, घर पे आपकी कोई सुनता ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि परिवार में भी आपकी इज्जत हो, मान सम्मान बढ़े, साथ ही देश विदेश में आपकी ख्याति बने, ये सब अगर आप चाहते हो, तो इस संक्रांति पे एक छोटा सा उपाय करते हैं। अब सब छोटा सा उपाय क्या है, आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। आप आदित्य हृदय स्त्रोत नहीं जानते हो तो भगवान जो सूर्य देव है उसकी आराधना है, उनका एक स्रोत है जिसको हम आदित्य हृदय स्त्रोत के नाम से जानते हैं। अगर आप इस दिन से यानी संक्रांति के दिन से आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ करना शुरू करते हो, ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, नियमित पाठ करना शुरू करते हो, और उसको 3 बार पाठ किया जाता है, त्रिसंध्या बोलते हैं उसको, या फिर आप एक बार में भी 3 बार कर सकते हो, तो अगर आप ये काम रेगुलर करना स्टार्ट करते हो संक्रांति से, तो जितने भी मैंने चीज़ें बोली थी वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस चीज़ को नियमित रखना पड़ेगा, ये नहीं कि मेरे को टाइम मिल गया तो कर लिया, अदरवाइज़ बाद में कर लेंगे या कल कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नियमित आप इसका पाठ करते हो तो 101% आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। आशा करता हूँ कि आप में से कुछ लोग इस प्रयोग को जरूर करेंगे और अपनी किस्मत के ताले जो हैं, अपनी किस्मत के जो रास्ते हैं उसको प्रशस्त करेंगे और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।